दोस्तों संतरा में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और यह इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, स्वस्थ रखता है। इम्यून सिस्टम जब स्वस्थ होगी तो हम बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों। और संतरा एक स्वास्थ्यवर्धक फल है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है और लौह यानी आयरन और पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होती है। दोस्तों संतरा जो है इसका तासीर ठंडी होती है या मन तन को ठंडा कर देता है, शांत कर देता है। दोस्तों संतरे के जूस पीने से आपके मन तन शांत हो जाते हैं और यह थकान और टेंशन को उसको पीते हैं तो हमारा तन मन शांत और सुकून जैसे यानी लगता ही नहीं है कि कोई टेंशन है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद देता है, मस्तिष्क को नई शक्ति और ताजगी भर देती है। संतरे का नियमित से बवासीर की बीमारी में लाभ मिलता है, रक्त स्राव को रोकने की इसे उपायों में शामिल किया जाता है। दोस्तों संतरे के सेवन से दांत और जैसे समस्या को ख़त्म करता है क्योंकि यह बैक्टीरिया को मार देता है। अगर दोस्तों दिल के मरीज को संतरे का रस शहद मिलाकर दे दिया जाए तो उसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों संतरे के छिलके में एक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, अगर संतरे के छिलके से इसके रस और तेल निकाल दिया जाए और बच्चे के शरीर पर लगा दिया जाए तो बच्चे को मच्छर कभी नहीं काट सकते। कभी नहीं मतलब उनका जो असर होगा तो जब तक असर होती है तब तक मच्छर दूर रहती है। और दोस्तों एक बात आपको नई लगेगी लेकिन यह काफ़ी पुरानी नुस्खा है दोस्तों, संतरे के अगर आप ताज़े फूल को पीसकर उसका अगर रस आप लगाते हैं अपने सिर में बाल में तो आपका जो बाल है वह चमकदार होगा, बाल जल्दी बढ़ने लगेगा और इसका कालापन भी बढ़ लगेगा। और दोस्तों इसका तो सब फ़ायदे ऐसे हैं जो लोग जानते हैं, जैसे पेट में गैस, अपच, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, गठिया, तो ये आम फ़ायदे हैं जो सभी लोग ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों संतरे का जूस जिस व्यक्ति ने हमेशा नियमित तौर पर पीते हैं और उसका शरीर जो है हष्टपुष्ट और ताकतवर होता है क्योंकि उनमें बीमारी नहीं होती है, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा संतरे में अधिक होती है और विटामिन सी अगर आपके शरीर में ज़्यादा होती है तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है, वो इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है जिससे आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति अधिक हो जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं। और आप अपने स्किन यानी चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप संतरे को खाइए, प्लस संतरे के रस को अपने स्किन और चेहरे पर लगाइए, इससे आपका स्किन जो है स्वस्थ रहेगा और आपके स्किन की जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म होगी यानी ढीलापन। और दोस्तों सर्दी जुकाम से बचने में मददगार होता है यह संतरा और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।